नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएमपी के विषय में। जीएमपी से आप क्या समझते हैं, जीएमपी के मापदंड क्या होते हैं? तो दोस्तों, जीएमपी का अर्थ है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ होता है अच्छी निर्माण पद्धति, यानी किसी भी चीज़ की अच्छी गुणवत्ता के लिए उसके जो कंडीशंस होती हैं, उसकी जो गाइडलाइंस होती हैं, उसको फॉलो करने के लिए जीएमपी का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका नाम से स्पष्ट है जीएमपी, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माणता, किस तरीके से हम निर्माण कर रहे हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन तभी बनेगा जब हम जीएमपी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर से बेहतर करने के लिए हम लोग जीएमपी का उपयोग करते हैं कि उसका वर्किंग कल्चर कैसा है। तो सीधे अक्षरों में ये है कि जीएमपी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी गाइडलाइन है जिसके अंतर्गत हम अपना वर्किंग कल्चर को बढ़ाते हैं। किसी भी इंडस्ट्रीज में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका वर्किंग कल्चर किस तरह का है, ये जीएमपी को फॉलो करने से ही पता चलता है। कि जब वो कोई इंडस्ट्री जीएमपी को फॉलो कर रही है तभी वह अच्छी इंडस्ट्रीज की श्रेणी में आती है, उसका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। दोस्तों, सरल भाषा में जीएमपी का अर्थ हम समझते हैं कि जीएमपी कुल मिला के ये है कि आप किसी भी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, आप जैसे कोई भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसका वर्किंग कल्चर किस तरह का है। अगर आप उदाहरण से समझिए कि जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक होटल है या कहीं भी आप खाना खाने जाते हैं, तो अगर होटल के अगर आप किसी 3 स्टार या 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ का जो साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, एक तरह से जीएमपी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं वो लोग। और एक ढाबे पे या किसी भी सड़क चलते आप किसी भी होटल में खाना खा लें तो साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ना किसी सैलरी का किसी व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है, तो जीएमपी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ डिसीज होने के चांसेस बनते हैं। तो ये एक जनरल मैंने आपको समझाने के लिए बताया, तो यही एक तरह से जीएमपी की गाइडलाइन कहलाती है। और जीएमपी हर प्रकार की होती है, हर स्तर पर, हर डिपार्टमेंट की होती है। हम जिस जीएमपी की बात कर रहे हैं वो आयुर्वेद डिपार्टमेंट की है। तो आयुर्वेद की जो जीएमपी, आयुर्वेद डिपार्टमेंट में जो औषधियों की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें एक गाइडलाइन है जीएमपी की, जिसको हमें फॉलो करना रहता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी औषधियों की जो गुणवत्ता है वो घटेगी, तो हमारा प्रोडक्शन घटेगा, हमारी मार्केट में इमेज खराब होगी। क्योंकि और अगर जीएमपी गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई तो हम कुछ भी बनाएंगे और मार्केट में बेचेंगे और वो जीएमपी के मापदंड पर खड़ी नहीं उतरेगी और हमारी मेडिसिन रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये जीएमपी के गाइडलाइन के तहत ही हम किसी मेडिसिन को बना करके मार्केट में बेच सकते हैं। किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए पहले आप उसकी जो गाइडलाइन को फॉलो करेंगे कि वहाँ का वर्किंग प्लेस कैसा है, वहाँ की स्थिति कैसी है, किस तरह से निर्माण हो रही है, निर्माण होने के बाद वो उसकी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग होने के बाद ट्रायल हो रहा है, ट्रायल होने के बाद फिर वो मार्केट में आ रही है। कई बार क्या होता है कि जो लोग जीएमपी गाइडलाइन को फॉलो, जैसे अपने आप कॉलेज लेवल पर कोई भी बच्चा अपने कॉलेज लेवल पर अगर पढ़ाई करता है, अब उस प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल कर रहा है, अगर रसमाणिक्य बना रहा है या भस्म बना रहा है, कोई औषधि बना रहा है, कोई भी चूर्ण बना रहा है, उस बिना किसी जीएमपी गाइडलाइन को फॉलो किए बगैर और उसको सीधे पेशेंट को दे रहा है, तो वो असर कर भी रही है, किसी किसी को असर कर भी नहीं रही है, उसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन जब इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अगर जीएमपी कोई भी इंडस्ट्री में, अगर आप पर्टिकुलर जैसे पतंजलि हुआ, डाबर हुआ, ये पूरे जीएमपी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उनकी मेडिसिन कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी बेचेंगे, तो अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए तो उसका असर पूरे कंपनी पर पड़ता है। तो बच्चा जब भी कॉलेज में पढ़ता है तो वो जीएमपी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता, लेकिन इंडस्ट्री में हर व्यक्ति जीएमपी गाइडलाइन को फॉलो करके ही उसको मेडिसिन को प्रिपेयर करता है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है, इसलिए जीएमपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को जीएमपी की गाइडलाइन को अध्ययन करके ही आगे कभी भी किसी भी अगर डिपार्टमेंट में जाएगा तो जीएमपी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा तो उसका कल्चर बिगड़ेगा और उसको या तो नौकरी से निकाल दिया जाए। उसके बाद वो कॉलेज को दोष देता है कि कॉलेज में हमको जीएमपी गाइडलाइन के बारे में नहीं बताया गया। दोस्तों, तो कॉलेज के अंदर हम सिर्फ प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में कई चीज़ें जीएमपी को फॉलो नहीं करती, हम प्रैक्टिकल की दृष्टि से उसको बनाते हैं, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे थोड़ा अंतर है। लेकिन आप जब भी किसी भी वर्किंग में करेंगे तो उसकी क्वालिटी को प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आपको उससे इनकम करनी है। कॉलेज में जो प्रैक्टिकल होगा उससे इनकम नहीं होती है, वो जनरली आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल के रूप में दिखाया जाता है। तो इसलिए यहाँ दोनों चीज़ों में अंतर है, इसलिए जीएमपी कॉलेज लेवल पर पढ़ाया जाता है कि आप जीएमपी को फॉलो करें, तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक अंतर है। दोस्तों, औषधियों गुणवत्ता प्रदान करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम है ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1945, लेकिन बाद में समय आते इसको
दोस्तों शेड्यूल एम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, इसको जीएमपी को इंट्रोड्यूस किया गया था। डस कॉस्मेटिक एक्ट 1945 रूल नंबर 157 में लागू हुआ, ये आयुर्वेद के लिए, यानी आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी। दोस्तों लीगल प्रीवियस ऑफ द जीएमपी दिया गया था, कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में दिया गया था। और रूल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जो इंस्पेक्टर्स कंडक्टिंग जो जीएमपी इंस्पेक्शन था वो कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में दिया गया था। तो ये आप देख भी सकते हैं डिस्प्ले पर, शेड्यूल एम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में। और टी शेड्यूल में यानी जो आयुर्वेद हो, आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी, यानी ए एस यू यानी आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी, इस ड्रग के अंतर्गत टी शेड्यूल के अंदर इसको लिया गया था। हाँ, जो उसमें जीएमपी कंपलसरी कर दिया था, उसकी तारीख जो बताई गई है, जो जब जीएमपी मैंडेटरी हो गया था कि जीएमपी आपको लेना आवश्यक है किसी भी इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को चलाने के लिए, तो ये यहाँ पे आयुर्वेद में लागू हुआ, तो टी शेड्यूल के अंदर हुआ। तो टी शेड्यूल के अंतर्गत आप देखिए, टी शेड्यूल में 23 जून 2000 रूल नंबर 157B के अंतर्गत इसको लिया गया। अब दोस्तों सवाल उठता है कि टी शेड्यूल, एम शेड्यूल, ये है क्या चीज़, क्या बला है ये, हम ये ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता। तो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो हर शेड्यूल के अंदर मेडिसिन बनाने की एक विधि है, मतलब ये किस तरह से मेडिकल इक्विपमेंट किस में लिया गया, पूरी एक जो इंडस्ट्रीज के मापदंड है उसमें शेड्यूल दिए हुए हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं, ए बी सी डी एफ करके, और एम शेड्यूल, टी शेड्यूल, किस में मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट से हर चीज़ उसमें आपको मिलेंगी, तो वो शेड्यूल कहलाता है, किस शेड्यूल के अंदर किस चीज़ का प्रावधान हुआ है। तो ये शेड्यूल का क्रम है, तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। एक चीज़ और दोस्तों, इस सर्टिफिकेट, जीएमपी का इस सर्टिफिकेट जब मिलता था तो पहले 3 साल के लिए था, बाद में इसको बढ़ाकर 5 साल के लिए कर दिया गया। और आने वाले टाइम में इसके अंदर कुछ सप्लीमेंट्री गाइडलाइंस जोड़ी गई, जो विशेष रूप से रस औषधियों के लिए था। रस औषधि जैसे भस्म, परपटी आदि निर्माण के लिए हमको जो जीएमपी का गाइडलाइन जो फॉलो करनी रहती है वो इसमें जोड़ी गई। ये जीएसआर 157 ई के अंतर्गत इसको रखा गया। दोस्तों इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आईएमसीसी एक्ट 1970 में कोई भी वैद्य हो या हकीम हो, अगर किसी पेशेंट के लिए औषधि का निर्माण कर रहा है तो उसको जीएमपी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, वो पेशेंट को दे सकता है लेकिन मार्केट में सेल नहीं कर सकता। तो ये एक एक्ट था जो हमें, जो डॉक्टरों के लिए, यानी जो वैद्यों के लिए और हकीम के लिए दिया गया, सिर्फ वो पेशेंट को दे सकता है, अपने पेशेंट के अप्लाई कर सकता है, मार्केट में बेचने के लिए उसको जीएमपी सर्टिफिकेट देना होगा, यानी उसको एक इंडस्ट्री का निर्माण करना होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आप याद रखिए। इसलिए किसी भी प्रैक्टिशनर को जीएमपी की आवश्यकता नहीं है अगर वो अपनी दवाई पेशेंट को दे रहा है। दोस्तों ये तो अपनी बात हो गई केवल जीएमपी किस तरह से लागू हुई, क्या एक्ट होते हैं, ये जनरल मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज द जीएमपी, जीएमपी क्या है। तो अब एक हम जनरल एक उसमें आते हैं क्वेश्चन में कि क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी, तो क्या है जीएमपी। तो पहला पॉइंट आपका आता है ये गाइडलाइन है, दूसरा पॉइंट आता है कंट्रोल ऑथराइजिंग लाइसेंसिंग, यानी आप समझ रहे हैं चीज़ को कि आपको कोई भी आपको ऐसी गाइडलाइन अगर होगी इसमें लाइसेंस की आवश्यकता लगेगी, गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा तभी आप किसी फैक्ट्री का निर्माण कर सकते हैं, तभी आप किसी औषधि का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ की आपका लाइसेंसिंग आपका प्रॉपर होगा, आपकी मेडिसिन मार्केट में जाएगी, लोगों को फ़ायदा होगा, पब्लिक को फ़ायदा होगा, तो आपकी मेडिसिन की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए आपको जीएमपी की आवश्यकता लगी। ओके, कि क्वालिटी की एक तरह से देखा जाए क्वालिटी की मोहर, यानी कोड़ा कि उसका ठप्पा एक लग गया कि आपकी जो मेडिसिन है बिल्कुल ऑथराइज्ड है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ आपने डाली है वो चीज़ प्रॉपर लिखी हुई है, प्रॉपर एक्सपायरिंग डेट है, प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये एक जीएमपी का बेसिकली अर्थ है। तो यही जीएमपी में लिखना है, 3 पॉइंट्स हैं, आप डिस्प्ले पे भी देखिए, इनको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। जो उसके ऑब्जेक्ट बताया गया उसमें पहला पॉइंट रहता है जो रॉ मटेरियल है आपका ऑथराइज्ड है, अच्छा है, साफ सुथरा है, और कंटेमिनेशन एरिया यानी साफ सुथरे एरिया में उसको बनाया जा रहा है। तो ये एक रॉ मटेरियल मेडिसिन को बनाने के लिए जो आपका प्रोसेस है वो बहुत साफ सुथरा है कि नहीं है, यानी रॉ मटेरियल में कोई अपद्रव्य या कोई ऐसी मिलावट तो नहीं है, तो ये एक जीएमपी का पहला मोटो है। दूसरा है आपका और स्टैंडर्ड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है आपकी स्टैंडर्ड लेवल की होनी चाहिए, आपको एसओपी को फॉलो करनी चाहिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि क्वालिटी का कंट्रोल प्रॉपरली हो, यानी क्वालिटी तभी आप उसको अडॉप्ट कर सकें, क्वालिटी कंट्रोल जो अडॉप्ट किए जा रहे हैं उसको
प्रॉपरली ऑब्जर्व करना, ये जीएमपी का तीसरा मोटो है। मतलब पॉइंट आपका ये आता है कि आपका प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से हो रहा है, कि आपने कोई भी मेडिसिन बनाई है उसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से आई, कैसे बनी, किस तरह से उसकी टेस्टिंग हुई प्रॉपर, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन कि किस तरह इसमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, कितना आपका इसमें लागत लगी, ये सब चीज़ों का प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होना, ये सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्ट है दोस्तों। अब इसके आगे जीएमपी के विषय में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी भी जीएमपी ख़त्म नहीं हुआ है, ज़्यादा बताऊंगा तब क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों अगला वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, अगले वीडियो में हम जीएमपी के आपको बाकी के कितने प्रकार की जीएमपी होती हैं वो बताएंगे, ठीक है, और आगे की प्रोसेस बताएंगे और जीएमपी का कंक्लूजन बताएंगे, ये सब चीज़ें हम जीएमपी में आगे की पीपीटीज में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इंट्रोडक्शन अपना जीएमपी का ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अब तब तक के अगले वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए, धन्यवाद।